अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, वॉइस के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि वॉइस किसको कहते हैं और कैसे बनाते हैं, बट आज मैं आपको सारा का सारा वॉइस एक ही वीडियो में बता देने वाला हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर इस वे में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके वॉइस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सिर्फ 8 टेंसेज हैं जिनके पैसिव सेंटेंसेज यानी पैसिव वॉइस बनाया जाता है और बाकी जो होते हैं मॉडल वर्ब उनके बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। किस किस टेंसेज का वॉइस नहीं बनता है? तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनके नहीं बनते हैं। 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गए और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। ये प्रेजेंट वाला लाइन है, ये पास्ट और ये फ्यूचर का है। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट में हमने लिखा है हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ओके, आप वॉइस के बारे में जानते ही हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, काम कोई और कर रहा होता है, तो वही वॉइस होता है, उसी को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं तो ये तो एक्टिव हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सब्जेक्ट हो गया और वही काम कर रहा है पढ़ने का, तो वो हो गया एक्टिव। लेकिन यहाँ पर क्या, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो वर्ब है, वो जो सब्जेक्ट है, उससे कोई संबंध नहीं है, ये पैसिव सेंटेंस है, हर पैसिव सेंटेंस में यही होता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसमें हम इज़ आर एम लगा कर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसमें हम वाज और लगा कर बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है उसमें हम शैल विल के साथ बी लगा कर बनाते हैं। और ये जो भी जिस हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ आर एम लगा कर बनाते हैं, तो इज़ आर एम के बाद और इसमें वाज और इसमें शैल बी विल बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि V3 इस्तेमाल होता है सभी में। ओके फ्रेंड्स, तो हम बनाते जाते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वी आर टाउट, हम लोगों को पढ़ाया गया, वी वर टाउट, हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, वी शैल बी टाउट। इसी तरह से आप अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस ले लीजिए और उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनाते चले जाइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हम इसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और भी ज़्यादा। दूसरा सेंटेंस है, उसे पीटा जा रहा है, ये क्या हो गया? कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है इज़ आर एम प्लस बीइंग, यानी कि बी के साथ आईएनजी लगाया जाता है, उसके बाद V3 आता है। इसी तरह पास्ट में है वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3, फ्यूचर में नहीं बनता है, फ्यूचर का पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है, तो इसका हो गया उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा था, ही वाज बीइंग बीटन। अभी तीसरा टेंस, उस पेड़ को काट दिया गया है या उस पेड़ को काटा जा चुका है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जितने भी परफेक्ट टेंस वाले आते हैं, परफेक्ट वाले आते हैं, उसमें हैज हैव के बाद बीन लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बीन के बाद फिर V3, तो इसमें हो जाएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, तो हो जाएगा उस पेड़ को काट दिया गया है, दैट ट्री हैज़ बीन कट। कट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों एक जैसा होता है, कट कट कट, That tree has been cut। दूसरा है, उस पेड़ को काट दिया गया था, past perfect tense। तो perfect past perfect tense में had लगता है, तो यहाँ पर had been हो जाएगा, That tree had been cut। उस पेड़ को काट दिया गया होगा,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आने वाली फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं कि उस पेड़ को काट दिया गया होगा। ये बात बीता नहीं है, हम बीते हुए बात नहीं कर रहे हैं, ये आने वाले कल की बात कर रहे हैं कि उस पेड़ को काट दिया जा चुका होगा या काट दिया गया होगा। तो दैट ट्री विल हैव बीन कट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए, आपको समझ में आ गया होगा ये 3, 3, 6 और 2, 8 टोटल 8 टेंसेज हैं जिनका पैसिव सेंटेंसेज हम बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फटाफट बनाते चले जाते हैं। बाकी फार्मूला वही है, नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में थोड़ा फर्क होता है, बाकी रूल्स वही रहेंगे। जहाँ इजार में लग रहा है इजार में लगेगा, जहाँ पर वाज वर लग रहा है वहाँ वाज वर लगेगा, जहाँ शेल बी विल बी लग रहा है वहाँ शेल बी विल बी लगेगा। ओके, आपको निमंत्रित नहीं किया जाता है, यू आर नॉट इन्वाइटेड। आपको निमंत्रित नहीं किया गया, यू वर नॉट इन्वाइटेड। आपको निमंत्रित नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी इन्वाइटेड। क्या उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इज ही टाउट इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी पढ़ाई गई, वॉज ही टाउट इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, विल ही बी टाउट इंग्लिश। उसकी मदद क्यों की जाती है, एक क्वेश्चन हो गया, Why is he helped? उसकी मदद क्यों की गई, Why was he helped? उसकी मदद क्यों की जाएगी, Why will he be helped? ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस 8 टेंसेज का सेंटेंसेज को हमने पैसिव सेंटेंस बनाया, वो आपको समझ में आ गया होगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स भी बता दिया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बाकी रह गया, बाकी रह गया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन कुड मे माइट शुड मस्ट एंड शैल और विल। तो शैल विल का आपने इस्तेमाल सीख लिया। मॉडल वर्ब की हम अगर बात करें तो मॉडल वर्ब का जितने भी पैसिव सेंटेंसेज होते हैं वो बनाते वक्त मॉडल वर्ब के बाद बी लगाते हैं और प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, जैसे उस कुत्ते को नहीं मारा जा सकता है, दैट डॉग कैन नॉट बी किल्ड। उस पेड़ को नहीं काटा जा सका, दैट ट्री कुड नॉट बी कट। क्या इस रोड की रिपेयरिंग यानी मरम्मत की जा सकती है, कैन दिस रोड बी रिपेयर्ड। ये कैन का हो गया, कुड का यानी सका सकी रहेगा तो कुड का होगा। जैसे उसे निमंत्रित नहीं किया जा सका, ही कुड नॉट बी इन्वाइटेड। ओके, चीजें नहीं खरीदी जा सकी, थिंग्स द थिंग्स कैन नॉट बी बाउट। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से शुड मस्ट का है, शुड मस्ट। ओके, तो शुड मस्ट में क्या होता है कि जैसे आपको दूध पीना चाहिए तो यू शुड ड्रिंक मिल्क बोलेंगे, बट अगर हम ऐसे बोलेंगे कि दूध पिया जाना चाहिए, मिल्क शुड बी ड्रंक। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए तो यू शुड नॉट ओपन द डोर। अगर हम इसको वॉइस में बोलेंगे तो दरवाज़ा को नहीं खोला जाना चाहिए, द डोर शुड नॉट बी ओपन्ड। उसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, ही शुड नॉट बी इंसल्टेड। आपको इनाम नहीं दिया जाना चाहिए, यू शुड नॉट बी अवार्डेड। उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, दे शुड नॉट बी टाउट। मस्ट का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ पर हम बात को जोर देके बोलेंगे, यानी कि ज़रूरी अवश्य लगाकर। ओके, उसे पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, अगर हम जोर देके बोल रहे हैं कि उसे ज़रूर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हम बोलचाल में हम ऐसा बोलते नहीं हैं, बट जोर देके बोलते ज़रूर हैं कि उसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी टाउट। ओके फ्रेंड्स, तो ये
जितने भी हैं मॉडल वर्ब हैं, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाइए, फिर उसके बाद वी थ्री का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम कुछ और करते हैं प्रैक्टिस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर हम बोलेंगे कि कौवे कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर क्रोज फाउंड, तुम्हें क्या दिया जाता है, व्हाट आर यू गिवन, उसे क्यों डांटा जाता है, व्हाई इज ही स्कॉल्डेड, या व्हाई इज ही चाइडेड, क्या आपको निमंत्रित किया गया, वर यू इन्वाइटेड, या क्या आपको निमंत्रण दिया गया है, हैव यू बीन गिवन इन्विटेशन, उसे क्यों पीटा जाएगा, व्हाई विल ही बी बीटन, तुम्हें क्या दिया जाएगा, व्हाट विल यू बी गिवन, क्या उसे पीटा जाना चाहिए, शुड ही बी बीटन, अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन नाउ, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सका, नथिंग कुड बी डन फॉर हिम, आपके साथ ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज इट हैपेंड विथ यू। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। आप भी किसी भी सेंटेंस को, अगर आपको फॉर्मुलेशन समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ऐसे सेंटेंस को हम वॉइस ही बोलते हैं, पैसिव वॉइस, तो आप सेंटेंस बनाइए, दिमाग में कोई भी सेंटेंस लीजिए, फिर उसको आप ट्रांसलेट करते चले जाइए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो पूरा वीडियो देखना ज़रूरी होता है, और उसको बहुत ही ध्यान से देखना ज़रूरी होता है, और देखने के बाद आपको उस पर प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत होती है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए, उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप उस सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में बोलना चाहेंगे कहीं भी, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप क्या सीखना चाहते हैं, और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।